लग के राशन में लेते थे उससे हमारा पेट भरता था, लेकिन 1970 के दशक में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उस ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही रिजल्ट है कि इंपोर्टर होने के बजाय, अमेरिकन एड लेने की बजाय आज भारत एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, दूसरी कंट्रियों को सपोर्ट करता है, वीट, राइस, दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आप जानते हैं यहां से विदेशों में भेजे जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ और भी चुनौतियां देश के सामने आई, लोगों को, हमारे दुश्मनों को ये रास नहीं था कि हम स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, कि हम गणतंत्र राज्य हैं, कि यहां पर लोगों को बोलने की फ्रीडम है, कि यहां पर इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है। कई लड़ाइयां देश को लड़नी पड़ सकी, कर लड़नी पड़ी। 1965 में जो हमारे दुश्मनों ने हमसे मार खाई उसको वो बड़ी जल्दी भूल गए, तो 1971 में फिर से हमारे पे चढ़ाई कर दी। लेकिन भारत के वीर आदमी वालों ने, वीर सपूतों ने ऐसा करारा जवाब दिया कि वो हजार साल तक उदाहरण बन के रह गया। हजारों लड़ाइयां लड़ी गई हैं विश्व भर में, हजारों लड़ाइयां, थाउजेंड वॉर्स हैव बीन फॉट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी वक्त में ऐसा कभी अचीवमेंट नहीं हुआ कि एक इतनी बड़ी फौज, 93,000 लोगों की उनकी आर्मी को हमारे सामने सरेंडर करना पड़ गया। जो बांग्लादेश में हुआ, 93,000 आर्मी मैन ऑफ आवर एनिमी वर फोर्स टू सरेंडर, इट इज ए अनप्रेसिडेंटेड, नेवर हर्ड ऑफ अचीवमेंट की इतनी बड़ी, इमेजिन करके देखिए 93,000 की आर्मी कितनी बड़ी होगी, और उसको सबको झुकना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिससे हमारे में बहुत कॉन्फिडेंस, मनोबल आया कि हम कर सकते हैं। 1970 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जब हम 1980 के दशक में आए तो कुछ उपलब्धियां हमारा इंतजार कर रही थी। एक तो इस टाइम राजीव गांधी जी ने जो कंप्यूटराइजेशन पे जोर दिया, मैं आपको बता सकता हूं कि 1980 के आसपास किसी आप बैंक ब्रांच में चले जाते तो कंप्यूटर का नाम भी नहीं था। एक 100 रुपया वहां से विड्रॉ करने के लिए हो सकता है आपको 2-3 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। सुबह से आप लाइन में लगे हुए हैं, 200 रुपया निकालने हैं, नंबर नहीं आया। कई बार हम भूल जाते हैं कि हम किस दौर से गुजरे हैं, लेकिन जो कंप्यूटराइजेशन की बिगिनिंग थी उसका आज रिजल्ट यह है कि हमारी आईटी इंडस्ट्री विश्व की सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री है। हमारी एक एक कंपनी TCS, क्या आप जानते हैं कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है सिर्फ एक कंपनी से, TCS से 2,85,000 लोग विश्व भर में, 120 कंट्रीज में TCS सिर्फ एक कंपनी ने अप्लाई कर रखे हैं। जो स्टेप्स देश लेता है, जो भी नई स्कीमें देश चलाता है, उन सब को एक मैच्योरिटी के लिए
उन सबको पूरा करने के लिए, उन सब का रिजल्ट देखने के लिए वक्त लगता है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। जो हमने 1980 के दशक में शुरू किया कंप्यूटराइजेशन, उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि बैंकों का बहुत सारा काम कंप्यूटराइज है, इंडस्ट्री सारी कंप्यूटराइज से काम चल रही है। सिलिकॉन वैली जो अमेरिका का वर्थ प्लेस जहां माना जाता है आईटी इंडस्ट्री के लिए, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन इंडियंस का है। एक और बड़ी उपलब्धि उस दशक की मैं याद करना चाहूंगा, मारुति का आना। उससे पहले एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्कूटर ही होना बहुत बड़ी चीज होती थी। दो ही कंपनियां थी जिनकी कार्य बिकती थी, एम्बेसडर और फिएट, और दोनों बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी से चलती आ रही थी। लेकिन मारुति के आने से एक उम्मीद हुई मिडिल क्लास आदमी के लिए भी कि भाई हम अपने परिवार के लिए एक कार चला सकते हैं। 1990 के दशक ने तो कमाल कर दिया, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाए, इंडस्ट्री को लिबरलाइज किया, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने की स्कीमें निकाली, और जो मोबाइल टेक्नोलॉजी आई उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे के जेब में भी मोबाइल फोन चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस कमाल की हुई उस दशक में और उससे अगले दशक में। हमारे स्पोर्ट्स मैन ने भी कुछ कम कमाल नहीं दिखाया। 1983 में जब कपिल देव जी के लीडरशिप में भारत ने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, तो ये अपने आप में एक मिसाल थी। और कहां जीता? इंग्लैंड के एक मैदान में ही। उस इंग्लैंड ने जिसने हमको क्रिकेट सिखाया था। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि मैं एक दिन लंदन में था, शाम को मैं अपनी मीटिंग खत्म करके होटल में वापस आया, मैंने टीवी चलाया, देखूं क्या कर रहे हैं ये ब्रिटिश लोग यहां पर। देखा तो वो उसी दिन, मुझे नहीं पता था उस चीज का, मैं अपनी मीटिंग से लगा हुआ था, उसी दिन इंडिया की टीम ने लॉर्ड्स का जो वहां पर एक स्टेडियम है, वहां पर इंडियन टीम्स ने इंग्लैंड टीम को क्रिकेट में हराया था। तो टीवी पे डिबेट चल रही थी कि ये कैसे हो गया, इंडिया से लोग यहां आके हमें हरा जाते हैं। तो उनमें से जो एक कमेंटेटर था, एक एनालिस्ट था, जरा गौर से सुनिएगा कि उसका रिस्पॉन्स रिएक्शन क्या था। जो एक एनालिस्ट वहां पार्टिसिपेट कर रहा था उस डिस्कशन में, वो बोलता है, कहा किसने था ब्रिटिशर्स को कि इंडियंस को जाके क्रिकेट सिखाओ, अब सिखाया है तो उसका रिजल्ट भी भोगो। ये प्रोग्रेस है। 2011 में धोनी की कैप्टनशिप में वो हमने फिर दोबारा कर पाया, वो भी इंग्लैंड में हुआ। दोस्त परमानेंट होने चाहिए, दुश्मन या दुश्मनी परमानेंट नहीं होनी चाहिए। एक टाइम में यूके हमारा दुश्मन था, इस तरह से कि उन्होंने इतने लंबे समय तक हमें अपनी कॉलोनी बना के रखा। उस बात को भूलकर हमको, इंग्लैंड को, अमेरिका को, दूसरे देशों को उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे की राह बनानी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता दूं कि ब्रिटिश लोग इतने बुरे नहीं हैं। उस टाइम उनका सिस्टम बुरा हुआ होगा, बट ब्रिटिश लोग और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो पिछले दशकों में किया है, मैं उसकी बात कर सकता हूं, they have been quite friendly to us. वो काफी दोस्ताना रवैया उनका रहा है। और भी बड़ी उपलब्धियां हैं हमारे स्पोर्ट्स में, उन सब का बयान करने लगे अभी तो पूरी शाम हो जाएगी। पर एक खास उपलब्धि जो इंडिया ने अचीव की है,
बल्कि दो उनका जिक्र करना बड़ा जरूरी है, और वो है एक तो न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी में, जो पोखरान में दो बार हमने टेस्ट किया, पहला 1974 में, उससे दुनिया की आंखें खुल गई थी, और 1998 में जो एक ही दिन में 5 एक्सप्लोजन कर डाले, इट इज अगेन अनप्रेसिडेंटेड, और उससे हमारा एस्टेब्लिश हो गया कि वी आर ए न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। और एक आपको उपलब्धि याद दिलाना चाहूंगा, राकेश शर्मा जी की। राकेश शर्मा जी इज द फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे, एक रशियन स्पेस क्राफ्ट में। कब की बात है? 1984 की बात है। 2 अप्रैल 1984 में तब इंदिरा गांधी जी हमारे साथ थी, जीवित थी, और एक रशियन स्पेस क्राफ्ट में राकेश शर्मा भारत के पहले आदमी थे जो स्पेस में गए। वहां से एक टीवी न्यूज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें स्पेस से राकेश शर्मा जी की बात कराई गई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से। तो इंदिरा गांधी जी ने पूछा